निरसा थाना अंतर्गत मुगमा जीटी रोड पर अपनी समस्याओं को लेकर एक महिला ने सड़क जाम कर धरने पर बैठ गई। मामला निरसा थाना का है। एक महिला अपने पति के अवैध संबंध की शिकायत निरसा पुलिस से की, लेकिन आज तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज महिला अपने साथ महिला समिति के सदस्यों के साथ बीच सड़क पर धरने पर बैठ गई। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा पति दो शादी कर अपनी भाभी के साथ फरार है। मैंने अपने साथ हुए घरेलू हिंसा के बारे में निरसा थाने में जाकर लिखित और मौखिक शिकायत दी है। साथ ही इस घटना के बारे में निरसा SDPO से मिली, मगर आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। इस कारण बाध्य होकर मैंने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। भजाई के लेके भाग गया है, वो DSP पास गए हैं, पुलिस प्रशासन के पास गए हैं, तो कोई कुछ उसको नहीं किए। तब हम लोग महिला समिति इसको लेके बैठे हैं, इसीलिए जिसको ना ही मिले, इसको जो चल गया है उसको कुछ फैसला मिले, उसको अच्छा हो, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। उसका भाभी, उसका मेरी सास, सब हमको नटे चिप के मारती है। मेरे आदमी का आज एक महीना से भगा दिया, इधर उधर रह रहे हैं, खा रहे हैं। दो को शादी के एगो को भगा दिया, हमको भी बोला कि हम इसको भी भगा देंगे, अपना भौजाई को लेकर। पहले भी थाना भी गए, निशा थाना गए, DSP पास गए, कहीं सुनवाई नहीं। वी टाइम न्यूज़ के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।